दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है जो इस महामारी को हल्के में ले रहे हैं और बेवजह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, और खास करके ऐसे लोगों के लिए जो ईद की शॉपिंग करने के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको उस खतरे के बारे में बताने वाले हैं जो आपके बाहर निकलने की वजह से आप पर भी आ सकता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने घर से भूलकर भी नहीं निकलोगे और आप अपने घरों में ही रहोगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि ईद से पहले पहले यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में यह बीमारी पूरी दुनिया में किस तरह से अपना कहर बरसा रही है, और अब तो यह बीमारी भारत में भी बड़ी तेजी के साथ फैलने लगी है। संक्रमण के मामले में भारत ने अब चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि चाइना में 80,000 के करीब इसके मामले सामने आए थे, वहीं पर अब भारत में 90,000 के करीब इसके मरीज हो चुके हैं। अब भारत इस बीमारी के संक्रमण के मामले में दुनिया में 10वें नंबर पर आ चुका है। दोस्तों अब हम आपको इस बीमारी से होने वाले खतरे के बारे में बताते हैं, यानी कि जो लोग इस बीमारी को हल्के में ले रहे हैं, इस बीमारी को मजाक समझ रहे हैं और ईद के मौके पर बाजारों में शॉपिंग करते हुए बाहर घूम फिर रहे हैं, वो देख ले कि उनके साथ एक दिन क्या होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले एक दिन आपको अचानक बुखार आ जाएगा, आपके गले में थोड़ा दर्द होगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, उसके बाद आप हॉस्पिटल चले जाएंगे और आप डॉक्टरों को अपनी तकलीफ बताएंगे। उसके बाद आपका कोविड टेस्ट किया जाएगा, आपकी रिपोर्ट आने में 3 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे में आपके 3 दिन तनाव और परेशानी में गुजरेंगे। उसके बाद 3 दिन के बाद आपकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। आपका टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आपकी रिपोर्ट सीधी नगरपालिका के पास भेजी जाएगी। उस रिपोर्ट से आपका हॉस्पिटल तय किया जाएगा, यानी कि आपको कौन से हॉस्पिटल में लेकर जाना है यह तय किया जाएगा। उसके बाद आपके मोहल्ले में सायरन बजाते हुए एक एम्बुलेंस आ जाएगी और आपके घर के सामने आकर वो खड़ी हो जाएगी। आपके आस पड़ोस वाले लोग अपनी खिड़कियों में से झांक झांक कर आपको देखेंगे। उन लोगों में से कुछ लोगों की हमदर्दी तो आपके साथ होगी, मगर उनमें से ज्यादातर आपके पड़ोसी मन ही मन हंस रहे होंगे। उसके बाद स्वास्थ्य कर्मचारी आपको आपके रोजाना के इस्तेमाल होने वाले कपड़े रखने के बारे में कहेंगे। बेचारे आपके घर वाले आपको हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, वो दूर खड़े होकर ही आपको देखना चाहेंगे, मगर वो जी भरकर आपको देख भी नहीं पाएंगे। वो आंखों में आंसू लिए कुछ बोलना चाहेंगे, मगर इतने में ही एम्बुलेंस वालों की आवाज़ आएगी कि चलो चलो जल्दी चलो बैठो, और उसके बाद एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हो जाएगा। उसके बाद वो एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए रवाना हो जाएगी। आप हॉस्पिटल में पहुँच जाएंगे, आपको 14 दिन तक पेट के बल लेटने को कहा जाएगा और बस आपको जिंदा रखने के लायक ही 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। आपके सारे शौक धरे के धरे रह जाएंगे, आपसे टेलीविजन मोबाइल सब कुछ गायब हो जाएंगे, सामने की दीवार पर माजी और मुस्तकबिल के नज़ारे ही देखने को आपको मिलेंगे। उसके बाद आपका हॉस्पिटल में इलाज चलता रहेगा। इलाज होने के बाद आपका फिर से टेस्ट किया जाएगा, अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो फिर आपके इस तरह के 3 टेस्ट और किए जाएंगे, अगर तीनों में नेगेटिव आई तो फिर आप वापस अपने घर आ पाओगे, और अगर आप ठीक नहीं हुए तो फिर आपकी लाश को एक प्लास्टिक में लपेट कर सीधा कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा। शायद आपके अपनों को आपकी आखिरी दीदार भी नसीब नहीं होगी, ना कोई आपके जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी और ना ही आपको अपनों की मिट्टी नसीब होगी। बस आपके घर वालों को एक डेथ सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और आपका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बार ईद पर बेवजह किसी खरीदारी के लिए अपने घर से बाहर मत निकलो और अपने अपने घरों में ही महफूज रहो। छोड़ दीजिए इस बार सिवई बिरयानी और नए कपड़े लाने की जिद को, छोड़ दीजिए इस खतरे को हल्के में लेने की अपनी जिद को। याद रखें, ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, आपके लिए भी और आपके घर वालों के लिए भी ये ज़िंदगी बेशकीमती है। याद रखें, अगर आप जिंदा रहे तो आगे आने वाली कई ईदें और चांद रातें आपका इंतज़ार करेंगी और आप उनमें अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप मेहरबानी करके इस बार आप कुछ भी शॉपिंग करने के लिए और फालतू में घूमने फिरने के मकसद से अपने घर से बाहर मत निकलिए। आप अपने अपने घरों में ही रहें और अपने आसपास वाले गरीब लोगों का भी ख्याल रखें। अब अगर आपके दिल को हमारा यह वीडियो छू गया हो तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।